हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हिंदी की वक्षित कक्षा 4 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सारे वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखें। सो राजा महल में रहता है, तो राजा का लिंग बदलेंगे तो क्या आएगा, रानी महल में, और रहता का क्या हो जाएगा, रहती है, रानी महल में रहती है। धोबी कपड़े धोता है, तो धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन कपड़े धोती है। माली ने फूल एकत्र किए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मालिन ने फूल एकत्र किए, मालिन ने फूल एकत्र किए यानी कि इकट्ठे किए। मोर नाचता है, मोरनी नाचता का क्या हो जाएगा, नाचती है। जब हम लिंग बदलते हैं तो हमारी क्रिया भी जो है वो बदल जाती है। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापक पढ़ा रही का क्या हो जाएगा, रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखें। नदी का क्या हो जाएगा, सरिता, तटनी, ठीक है। फूल का हो जाएगा पुष्प, सुमन। भगवान का हो जाएगा ईश्वर, प्रभु। बिजली का हो जाएगा चपला, चंचला। सूर्य का हो जाएगा रवि, और एक हो जाएगा दिनकर। वृक्ष का हो जाएगा पेड़, और एक हो जाएगा तरु। पक्षी का हो जाएगा खग और विहग, ठीक है। नेत्र का हो जाएगा आंख और नयन। तो आप भी इस तरह से वर्कशीट में पर्यायवाची शब्द डाल सकते हो। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। आसमान सिर पर उठा लेना यानी कि बहुत शोर करना। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे। बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया है, बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया है यानी कि बच्चों ने बहुत शोर कर रखा है, किया है। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना यानी कि जी ललचाना, ठीक है, जी ललचाना। आम को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, ठीक है, यानी कि आम को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरा जी जो है वो ललचा गया। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा के बाद मैं घोड़े बेचकर सोऊंगा। आंख का तारा का क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा। राम अपनी माता का आंख का तारा है यानी कि वह अपनी माता का बहुत प्यारा है। वैसे तो सभी बच्चे अपनी माँ पिता वैसे तो सभी बच्चे अपनी माता पिता की आंखों के तारे होते हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही
चोर 9, 2, 11 हो गया। पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वर्कशीट को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही में बहुत कुछ नया सीख भी रहे होंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जो नभ में रहता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नभचर। खेती करने वाला किसान। जो हाथी चलाता है महावत। सोने के आभूषण बनाता है सुनार। जो थल में रहता है थलचर। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। साथ पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? सहपाठी। दिए गए वाक्यों के वचन बदल कर लिखे, जैसे कि बच्चा खेल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। पतंग आसमान में उड़ रही है तो हम क्या करें लिखेंगे इसको? क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? पतंगे आसमान में, पतंगे आसमान में उड़ रही है। ठीक है, रही है ही यूज करेंगे बट पतंग की जगह हम क्या लिख देंगे? पतंगे आसमान में उड़ रही है। आसमान में तारा चमक रहा है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। रहा का क्या हो जाएगा? रहे हैं। नदी बह रही है तो किसका क्या लिखेंगे? नदियां। नदी का क्या हो जाता है? बहुवचन। नदियां बह रही है। नदियां बह रही है। ठीक है, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखे, जैसे तार का क्या हो जाएगा? पत्र। और एक तार क्या होता है? जैसे बिजली की तार है ना, बिजली की तार। एल्यूमिनियम की भी हो सकती है लेकिन मैं इसे समझाने के लिए कि बिजली की तार। खेल क्या हो सकता है? खेलना, कि वो ये खेल रहे थे। और एक खेल का नाम जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, उत्तर, एक उत्तर हो सकता है दिशा और एक उत्तर हो सकता है जवाब। ठीक है, एक उत्तर क्या हो सकता है? दिशा। और एक क्या हो सकता है? जवाब। ऐसे ही खेल, बच्चे खेल रहे हैं लेकिन अगर मैं कहूं कि आप कौन सा खेल खेल रहे हो तो वहां पे हम पूछ रहे हैं कि उस खेल का हम नाम पूछ रहे हैं, है ना। और तार पत्र, और एक तार होता है जैसे बिजली की तार हो सकती है, एल्यूमिनियम की तार हो सकती है, यानी कि वायर है ना, वो हो सकती है। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो कहने की जरूरत नहीं है, लाइक और शेयर तो बनता है। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।